मतलब जो आई I मीन mean, जो इसके कॉर्नर है रेक्टेंगल के इस सर्कल पे हमारे लाई कर रहे हैं कुछ इस तरीके से ठीक है तो रेक्टेंगल ये मैं मान लेता हूं ए बी सी डी ठीक है और इसके हमारे पास लेंथ और ब्रेथ कितनी गिवन है लेंथ हमारे पास की गिवन है एट सेंटीमीटर ब्रेथ हमारे पास की गिवन है सिक्स सेंटीमीटर यहां से लेकर ये यहां से यहां तक ठीक है तो हमको इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल के एरिया को हटा के मतलब कि जो शेड शेडेड पोर्शन है मैं इसको शेड करने वाला हूं हमें सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया फाइंड करना है ये वाला भी इसे भी काउंट करेंगे और ये वाला भी हमारा पोर्शन होगा मतलब जी मतलब कि जो सर्कल का एरिया है उसमें से हम रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो वो बचा हुआ शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा ठीक है अब सर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे देखो हमारे पास यहां पे रेक्टेंगल इस सर्कल में इंस्क्राइब है और अगर हम इस रेक्टेंगल की डायग्नल की बात करें लेट so, से मैं डायगनल ए सी मान लेता हूं किसी भी सर्कल में जब भी हमारे पास रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड होता है तो उसका जो रेक्टेंगल का डायगनल जो होता है वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल होता है ठीक है तो हम कह सकते हैं ए सी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल तो अगर इसका डायमीटर हमें फाइंड करना है तो डायमीटर का कितना होगा इसका डायमीटर विल बी इक्वल टू डायमीटर अब देखो डायमी तो एडीसी ट्राइंगल की अगर बात करें हम एडीसी सॉरी ए सी जो है इसका डायमीटर है और इस ट्राइंगल का एडीसी का हाइपोटेनियस बन जाएगा और नीचे जो बेस है डी सी ये भी हमारे पास एट सेंटीमीटर के बराबर है तो अगर हम ट्राइंगल एडीसी में पाइथागोरस अप्लाई करें इन ट्राइंगल एडीसी ऐसे लिख देते हैं इन ट्राइंगल एडीसी यूजिंग पाइथागोरस वी हैव इसमें हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर तो यहां पे हम वैल्यू स्पोर्ट कर देंगे एसी की वैल्यू हमारे पास डी है डी स्क्वायर इज इक्वल टू तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी विल भी इक्वल टू अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर हमारे पास होता है थर्टी सिक्स और एट का स्क्वायर होता है हमारे पास सिक्सटी फोर तो थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर हमारे पास बराबर होगा हंड्रेड के और रूट हंड्रेड हम जानते हैं टेन के बराबर होता है तो जो इस सर्कल का डायमीटर है वो टेन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर आ गया डायमीटर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर और अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का, का हाफ होगा इस सर्कल के सेंटर को मैं लेट से ओ मान लेता हूं तो रेडियस ओ सी इज इक्वल टू इसको मैं OC को मैं आर मान लेता हूं यहां पे लिख देता हूं आर इज इक्वल टू टेन का हाफ यानी कि फाइव सेंटीमीटर तो इस सर्कल का रेडियस हमारे पास फाइव सेंटीमीटर आ गया तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल तो एरिया ऑफ सर्कल R square, जिसमें इसका रेडियस है अब यहां पे हम क्या करेंगे pi की वैल्यू को 3.14 लेंगे और रेडियस हमारे पास फाइव निकाल ही चुके हैं हम तो 3.4 पॉइंट फोर इंटू फाइव इंटू फाइव इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो ये तो हमारे पास एरिया आ गया पूरे सर्कल का ये पूरे सर्कल का हमारे पास एरिया आ गया हमको यहां पे रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना है और बचे हुए पोर्शन का एरिया फाइंड करना है तो ये हम कैसे करेंगे पहले तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ हमारे पास कितना है एट सेंटीमीटर ब्रेथ कितनी है सिक्स सेंटीमीटर तो एट इंटू सिक्स ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 48 के बराबर हो जाएगा तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 78.5 माइनस 48 एंड दिस विल बी इक्वल टू 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यह हमारे पास उस रीजन का एरिया आ गया ऑप्शंस में अगर हम इसको चेक करेंगे तो ऑप्शंस में हमारे पास ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर